इंडियन ट्रेडिंग लीग की पहली तिमाही और हमारे साथ है पांच दमदार विनर्स जिन्होंने इस पहली तिमाही में शानदार रिटर्न्स बनाए। कमोडिटी की हम बात कर रहे थे पंकज, कमोडिटीज में तो मंदी मंदी हो रही है जी। तो आपने पिछले तीन महीने दमदार मंदी की है। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि क्या होता है कि वो जनरली लोगों की माइंडसेट तेजी करने की होती है, मतलब हम पैदाइशी इन्वेस्टर है राइट, खरीद कर बेचना ये समझ में आता है, ये मंदी करने की जो स्किल्स है ना ये बहुत कम लोगों में मैंने देखी है, आपने कैसे हासिल की ये बताइए। सर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ओपन इंटरेस्ट, मुझे जब दिखता है कि एक स्पेसिफिक कमोडिटीज में मतलब पोजीशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गई है बट स्टिल वो इट्स गोइंग डाउन, तो मतलब एक उम्मीद होती है कि अभी इसमें स्कोप है एटलीस्ट 5% और 10% नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला तो कमोडिटीज के साथ इक्विटी में भी लगाया जा सकता है एफएनओ में। यस, बट एफएनओ के अंदर में जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है, अंडरलाइंग इक्विटी से भी लिंक्ड है वो, इसमें अंडरलाइंग से लिंक नहीं है। मैं कॉपर की डिलीवरी इजीली नहीं उठा सकता कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, वहां पे अगर होगा तो मैं डिलीवरी पुट कर सकता हूँ, इसलिए इसमें इजी होता है थोड़ा सा कमोडिटी में। और बेसिकली जो हम ट्रैक करते हैं ओपन इंटरेस्ट, बहुत जरूरी है कि पोजिशन इन द सेम डे स्क्वाड अप हो, क्योंकि वो जो भी इंडिकेशन है सेम डे के लिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर में क्या नई स्ट्रेटेजी है वो अकॉर्डिंगली बाद में पता चलेगा। जतिन जी, आप क्या ज्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करते थे या वायदा कारोबार में भी आप ऑप्शंस में खासतौर से, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि 2000% का रिटर्न बनाना मतलब 10 रुपए का ऑप्शन खरीदा होगा 15 रुपए हो गए 50% रिटर्न हो गया। मुझे नहीं लगता आपका पोर्टफोलियो देख के आपने वैसे ज्यादा ट्रेड किए। सर मैंने कभी ऑप्शंस में काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं 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 किया। मैं फ्यूचर में भी कभी कभी किया काम, मैंने जनरली मैंने काम जो किया है वो इक्विटी कैश में। कैश में जी मित, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सबसे वही मैं बता रहा था आपको कि मिथ यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किए बिना भी लोग 2000% कमा सकते हैं, वो भी पूरा कैश मार्केट में। जनरली ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं कि चलो लिक्विडिटी है, फटाफट घूम गए निकल गए, करेक्ट, और ओवरनाइट पोजीशन रखी, तो फिर तो कैश मार्केट में ट्रेड करना तो वाकई में बड़ी बात है। एंड सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि कैश मार्केट में ट्रेड करने में रिस्क भी कम है, सो आइडियली आपको पता है कि जितना पैसा है उतना ही ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। और इनबिल्ट आप ऑप्शन जैसा नहीं है कि बस 10 रुपए वाला ऑप्शन जीरो भी हो जाए, तो ये चीज हमने देखी है कि कई सारे ट्रेडर आते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में, वो कोई ऑप्शन खरीद लेते हैं और सारी कैपिटल उसमें लगा के वो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। ये एक चीज जो चैतन्य जी से सीखने जैसी है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी लॉस जो है वो कभी 100% इंट्राडे में तो नहीं हो सकती, तो आप कैपिटल को करेंसी की तरह यूज करिए और आप जैसे ठीक से टर्न करिए विद स्टॉप लॉस तो आप अंड राइड करिए प्रॉफिट, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, मयूर को देखकर लोगों को लगता होगा कि ये फुल टाइम ट्रेडर है, ये फुल टाइम ट्रेडर है लेकिन साथ में जॉब भी करते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। मयूर ये तो बहुत बड़ी बात है कि जॉब और ट्रेडिंग में बैलेंस बनाना, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, आप कैसे करते हैं फिर बैलेंस कैसे बनाते हैं? मैं एक्चुअली दोनों जॉब फुल टाइम करता हूँ, ठीक है, एंड ट्रेडिंग लाइक मॉर्निंग में करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि लाइक मेरा स्विंग ट्रेड रहता है, सो होल्डिंग पीरियड 5 डेज का रहता है एंड सारे पोजीशन जो रहते हैं लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रहते हैं। ऑप्शंस में एक्चुअली लास्ट जो एक्सपायरी के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज वहाँ पे टाइम वैल्यू उसका कम होता है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर मुझे लाइक क्लियर ट्रेंड पता चल रहा है कि ये निफ्टी नीचे गिरेगा तो मैं पुट बाय करता हूँ, अगर लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करता हूँ, अदरवाइज फ्यूचर्स में तो लिमिटेड काम करते हैं और ट्रेंड फॉलो करके ये ट्रेड करते हैं। लेकिन ये बताएं आपकी, आपको देख के कई सारी महिलाएं ऐसी होगी उन्हें लगता होगा कि भाई हम भी घर बैठ के मोटा पैसा कमाएं, उनको क्या सलाह देंगे आप, कैसे करना चाहिए? सी उन्होंने पहले स्टडी करना चाहिए, ट्रेंड फॉलो करना चाहिए और पहले पेपर वर्क करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग और हमारे हिसाब से मतलब नोशनल ट्रेडिंग सीधे मार्केट में नहीं उतरना चाहिए, पहले खाली पेपर पे लिखेंगे मैंने इस भाव में ये शेयर खरीद लिया अब भाव आया है वो प्रैक्टिस करें, या प्रैक्टिस करना चाहिए या राइट और उसके बाद ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। ठीक है सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा लाइक सी स्टॉक मार्केट में जब कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड डायरेक्टली आप मार्केट में पैसा डाल के ट्रेडिंग मत करो, पहले आप लाइक आपका प्रॉपर स्टडी करो, आइडेंटिफाई करो स्टॉक्स कैसे आपके ट्रेड कैसे जा रहे हैं, पेपर पे काम करो पूरा और एक्सेल में काम करो एंड देखो कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, लाइक आपका स्टडी कितना एक्चुअली इट्स गिविंग अ गुड रिटर्न, देन बाद में लाइक यू स्टार्ट स्लोली एंड देन यू विल डेफिनेटली मेक अ मनी, दैट्स बेसिकली मैसेज आई वांट टू पास। परफेक्ट, बट आज आप में से काफी लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेड करके मोटा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए ये
ट्रेडिंग लीग के विनर्स काफी कुछ टिप्स दे रहे हैं जो ट्रेडिंग में आपके काम आएगी। लेकिन अब वक्त है इन सारे विनर्स को सम्मानित करने का, और अब वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के विनर्स को सम्मानित करने का। और सबसे पहले पहली तिमाही की विनर और हमारे साथ है ज्योति कुशवाहा। 2000% के आसपास के रिटर्न्स 3 महीने में। ज्योति, ये आपका प्राइस। और इंडियन ट्रेडिंग लीग के पहली तिमाही के रनर अप या यूं कहें कि दूसरे नंबर पर आए हैं चैतन्य जायसवाल इंदौर से। चैतन्य जी, ये आपका प्राइस। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडियन ट्रेडिंग लीग के पहली तिमाही के तीसरे विनर हैं मयूर मांडरे। मयूर, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये है आपका प्राइस। और इंडियन वुमेन्स लीग में दूसरे नंबर पर यानी कि रनर अप रही हैं अर्चना दंडवते। अर्चना जी, बहुत बहुत बधाई और आपका प्राइस। और पहली तिमाही में कमोडिटी मार्केट में बाजी मारी है पंकज जैन ने 250% के रिटर्न के साथ। पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शानदार परफॉर्मेंस यही बनाए रखी। तो आपने देखा किस तरह से इंडियन ट्रेडिंग लीग की पहली तिमाही में हमारे विनर्स ने किया शानदार प्रदर्शन, 250% से लेकर 2000% तक के रिटर्न्स कमाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली होगी और आप आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करने की सोचेंगे। जिमित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन लीग शुरू करने के लिए और इतने लोगों को साथ में जोड़ने के लिए। आप सब विनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं अगली तिमाही में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी और रिटर्न्स इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़े और बेहतर होने चाहिए।